बिजनौर में एक तरफ जहां गुर्दार की दहशत फैली हुई है, वहीं थाना नेटोर में गुर्दार ने भैंस के बच्चे को अपना निवाला बना लिया। आपको बता दें कि मोहल्ला नोदा निवासी हाजी शब्बीर ने अपनी भैंस और उसके बच्चे को अपने घेर में हर रोज की तरह बांध रखा था। मौका देख गुर्दार ने घेर में घुसकर भैंस के बच्चे को अपना निवाला बना लिया। रोज की तरह जब हाजी शब्बीर ने घेर में जाकर देखा तो भैंस का बच्चा मृत अवस्था में था। भैंस के बच्चे पर गुर्दार के हमले की आशंका बताई जा रही है। ये खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। इस घटना के बाद से मोहल्ले में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दूर स्थित नदी की दूसरी ओर अक्सर गुर्दार कभी पेड़ पर बैठा हुआ तो कभी खेतों में जाता हुआ दिखाई देता रहता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नसीम अहमद। ये आपके घर में घुसकर गुर्दार ने आपके कटिया को निवाला बनाया, क्या कर ये हमारे घेर के अंदर आ गए और कटिया के ऊपर आकर हमला किया। हम यहाँ पर थे नहीं और मैं रात मुझको बुखार आ गया, मैं घर पे दवाई लेने के लिए गया। मैं ही सोता था यहाँ पर। जब मैं दवाई एक बजे दवाई लेने गया, आके देखा रात 3 बजे, तो इसको शिकार बना दिया उन्होंने 3 बजे। यहाँ कोई नहीं था? यहाँ कोई नहीं था। तो ये तो जो घर में घुस के बनाया था, इससे आप क्या मानते हैं? ये गुलदार आया और गुलदार ने आके इसको फाड़ दिया हमारी कटिया को। हमने इसको पाल रखा था। आपने इसकी वन विभाग को सूचना दी है? जी, वन विभाग वालों को सूचना दी है, अभी तक कोई नहीं आया।